सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल की जो कक्षा थी उसमें हमने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता की चर्चा की थी, और पहले श्री राम ने अपना सारा आदि से अंत तक का वृत्तांत वनवास का उनको सुनाया, और तत्पश्चात सुग्रीव ने भी अपनी पत्नी के आहरण की बात विस्तार पूर्वक श्री राम को सुनाई। तो दोनों ने अपनी अपनी समस्या को सुना करके और इस अपेक्षा से कि भई हम एक दूसरे की सहायता से इन दोनों ही मित्रों की समस्याओं का निदान कर पाएंगे। वो वेद में एक मंत्र आता है, अश्मन्वती रियते समरबद्धम। ये जो संसार है ये अश्मन, अश्मन कहते हैं पत्थर को, अश्मनवती पत्थर वाली, रियते बह रही है, अश्मनवती रियते समरभध्वम, बहुत शब्द निनाद करती हुई ये नदी बह रही है, पथरीली नदी। तो ये इसमें ऐसे दिखता है कि पानी बहुत थोड़ा है पत्थर के ऊपर जो बहती है नदी, पथरीली नदी जो है, तो पत्थरों के पास से बहता हुआ पानी ऐसे लगेगा जैसे घुटने तक ही पानी है, ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, और वो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। उसमें लहरें उछलती हैं, मचलती हैं, कल कल ध्वनि करती हैं पत्थर से जब पानी गिरता है, तो व्यक्ति को लगता है कि मैं इसके बीच जाऊँगा, थोड़ी देर आनंद लूँगा और फिर मैं उस पार चला जाऊँगा या इस पार वापस आ जाऊँगा, ऐसे सोच के वो अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है तो ये जो पथरीली नदियाँ होती हैं उनका वेग अत्यंत तीव्र होता है और उस व्यक्ति के पैर जम नहीं पाते हैं, उस वेग के कारण उसके पैर उखड़ जाते हैं, और वो जो पत्थर होते हैं वो भी पानी के आने से बहुत स्लिपरी हो जाते हैं। देखने में तो बड़े प्यारे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, क्योंकि हम यहाँ जिस स्थान पर बैठे हैं ये ऐसी ही नदी है, पथरीली नदी है ये, तो देखने में ऐसे लगता है कि चलो उस पत्थर पे खड़े होकर के हम कुछ बोलते हैं, वहाँ बैठ करके रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं तो बहुत स्लिपरी होते हैं वो। तो उसके लिए वहाँ पर आदेश दिया है कि ऐसी नदी को यदि पार करना पड़े तो कैसे करें, तो वहाँ बताया वेद में कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, एक चेन बना लो, और हाथ पकड़ करके ऐसी नदी को पार किया जा सकता है, क्योंकि एक गिरने लगेगा तो दूसरा थाम लेगा, दूसरा गिरने लगेगा तो तीसरा थाम लेगा, तो और वो सारे मजबूत होने चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई किसी का हाथ छोड़ दे। तो ये समझाने के लिए है अलंकार, ये संसार भी ऐसी ही नदी है। तो यहाँ इस ये देखने में बड़ी सुंदर लगती है कि भाई संसार में जाएंगे, घर बसाएंगे, बाल बच्चे होंगे, व्यक्ति बड़ी अच्छी अच्छी इमेजिंग करता है तभी तो जाता है वहाँ पे। और दूसरी तरफ कुछ लोग यहाँ पर कल्पनाएं करते हैं, हम भगवान के रास्ते पे चलेंगे, वहाँ तो कोई कष्ट भी नहीं होगा, गुरुकुल में आश्रम में रहेंगे, सदा भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, तृप्त रहेंगे, संसार के झंझटों से कोसों दूर रहेंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये आश्रम भी इसी पथरीली नदी का एक पार्ट है,
और वो गृहस्थ आश्रम भी इस पथरीली नदी का एक पार्ट है। ये संसार देखने में तो बड़ा लुभावना सा लगता है, लेकिन इसको पार करना उतना ही कठिन है। पता नहीं कहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, व्यक्ति को ये सब चिकने पत्थर हैं इसके। कहीं कौन से जन्मों की कामनाएं जागृत हो जाती हैं और वो उसको गिरा देती हैं व्यक्ति को। पता नहीं कब वो कामनाएं पूरी ना होने पे व्यक्ति को इतना क्रोध आता है कि वो कितना बड़ा कोई ऐसा दुष्कर्म कर बैठता है, कोई इस प्रकार का कोई कर्म कांड कर बैठता है कि फिर उसको आजीवन जेल में रहना पड़ता है। लोभ के कारण व्यक्ति फंस जाता है, अपने सदा सदा के लिए अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। मोह के कारण व्यक्ति को लगता है इसके बिना तो जी नहीं पाएंगे, और पता लगा कि ये तेरा शरीर भी तेरा नहीं था, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो, कब कौन किसको बिछुड़ा देगा, मृत्यु कब किसको कहाँ लेके जाएगी। तो ये सारे ऐसे पथरीले पत्थर हैं। और अहंकार वो तो सबका ही बाप है, मतलब कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जो वो करेंगे तो वो खुद मरेंगे। जो कामी व्यक्ति है वो यदि कामना से युक्त होगा तो वो उस व्यक्ति का नाश करेगी, वो काम बाकी का नहीं करेगा। कुल परिवार में अगर सब दूसरे कामना से मुक्त हैं तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। क्रोधी व्यक्ति खुद का अपना ही नुकसान करेगा, दूसरे का थोड़ा बहुत करेगा, उसके बाद वो सुनना बंद कर देंगे। ऐसे ही लोभी मोही। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति है वो तो रावण की तरह अपने पूरे कुल खानदान को ही ले डूबता है। तो अहंकार तो सबसे बड़ा महापाप बताया है, क्योंकि अहंकार में ना व्यक्ति जो अपनी चीजें नहीं है वो बहुत सारी चीजों को, पूरे साम्राज्य को अपना मान लेता है, और जितना जितना वो बढ़ता जाता है उतना उतना फिर उसकी वो पाप की परत भी मोटी चट्टान जैसे होती जाती है। और फिर इतनी मोटी चट्टान को काट के अपने स्वरूप को देखना, फिर वो बिल्कुल ही असंभव जैसा ही हो जाता है। तो फिर तो उसको फिर डूबना ही पड़ता है। तो वहाँ या मंत्र में बताया कि भाई इस नदी को हाथ पकड़ के पार कर लो। तो इसमें कहीं मित्र मित्र का हाथ पकड़ता है, कहीं पति पत्नी हाथ पकड़ते हैं, कहीं गुरु शिष्य हाथ पकड़ते हैं। तो यहाँ अच्छे जो संबंध हैं वो फिर एक दूसरे की सहायता करते हुए दोनों की ही समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। तो संबंध समस्याओं का समाधान भी कर देते हैं और संबंध समस्याएं बढ़ा भी देते हैं, दोनों बातें होती हैं। अगर संबंधों में एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, एक दूसरे के प्रति निस्वार्थता की भावना है, सेवा की भावना है, परोपकार की भावना है, दूसरे को खुशी देने की भावना है, तो फिर वो कठिन से कठिन समस्या को भी पार कर जाते हैं दो व्यक्ति। और यदि उसमें परस्पर एक दूसरे से लेने की भावना है, भोग की इच्छा है, एक दूसरे के ऊपर अपना अंकुश रखने की भावना है, तो ये सारे फिर डुबो देने वाले दुरित हैं। ये फिर ऐसे जो मित्र होते हैं खुद भी डूबेगा, दूसरे को भी डुबाएगा। तो यहाँ सुग्रीव की और श्री राम की मित्रता कैसी है, दोनों ने एक दूसरे से अपनी अपनी कथा व्यथा कही। उसके बाद अब कौन से मित्र का दुख पहले हरण करना चाहिए, तो जो अपने साथी के दुख को ज्यादा महत्व देता है अपने दुख से, एक दोहा हम पढ़ते थे बचपन में, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। निज दुख अपना दुख, निज दुख अपना दुख यदि बड़ा भी है, गिरी सम, गिरी पहाड़ को कहते हैं, निज दुख गिरी सम रज करी जाना। रज कहते हैं छोटे से एक धूल के कण को। अपना यदि पहाड़ के समान बड़ा भी दुख है तो एक सच्चा मित्र उसको तो रज करी जाना छोटा मान लेता है। मित्र का दुख रजू मेरु समाना,
और मित्र के पास यदि थोड़ा सा रज के मान भी दुख है तो उसको मेरु समाना, उसको बड़ा मान लेता है भाई, इसके इसके पास थोड़ा सा भी दुख नहीं होना चाहिए, तो पहले इसका हटाऊं, वो सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ श्री राम जो हैं वो पहले सुग्रीव के दुख को दूर करना चाहते हैं, ये श्री राम की महानता है। अच्छे मित्र की महानता यही होती है कि वो अपने मित्र के दुख को अपने दुख से ज़्यादा बड़ा माने, और अपना दुख यदि बहुत बड़ा है तो भी उसको राई बना के, मतलब पहाड़ से राई बनाना, और राई से भी रुई बना के उसको हल्का करके उड़ा देना, ये अच्छा है। और जो दुष्ट मित्र है या स्वार्थी मित्र है तो वो राई से पहाड़ बना देता है, फिर उसके पास दुख है राई जितना, और वो झगड़ा कर करके कर करके फिर उसको पहाड़ जैसे बना देता है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे ही इन्होंने ततो वानर राजे ने वैरानुकथनम प्रति रामाय आवेदितम सर्वम प्रणयात दुखितेन च, जैसे ही वानर राज ने अपने वैर की कथा का इनके सामने वर्णन किया, रामाय आवेदितम, राम के सामने आवेदन दिया उसने, प्रस्तुति दी कि ये मेरा दुख है, सर्वम प्रणयात दुखितेन च, दुखी होकर के, और प्रणयात स्नेहवश, प्रणय हो गया ना श्री राम के साथ इनका, प्रणय मतलब प्रेम, तो स्नेहवश जो है ये दोनों बातें उनको बताई। प्रतिजातं च रामेण तदा वाली वधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः संकितश्चासि नित्यं वीर्येण राघवी राघव प्रत्ययार्थं तु दन्दुभेकायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम्। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा, तदा तब वो उनकी सारी बातें सुन करके, तदा रामेण प्रतिज्ञातं, तो तब श्री राम ने बाली वधम प्रति, बाली के वध के प्रति, बाली को मारने के लिए रामेण प्रतिज्ञातम्, राम ने प्रतिज्ञा की, राम ने कहा कि भाई अगर तेरा भाई इतना ही पापी है तो मैं उस पाप की जड़ को ही उखाड़ दूंगा, बाली को मार दूंगा मैं। बालिनश्च बलम तत्र कथयामास वानर है, सुग्रीव ने कहा महाराज उसको मारना इतना सरल नहीं है, अतुल बल है उसके पास, इतना सरल होता तब तो मैं ही मार देता। तो उन्होंने कहा बालिनश्च बलम तत्र कथयामास वानर है, उस वानर ने वहां बाली के बल का बखान किया श्री राम के सामने। सुग्रीव संकितश्चासीत नित्यम वीर्येण राघवे, जो राघव हैं ये इनको दुबले पतले से दिखते हैं, क्योंकि योगी जो हैं वो वेट आदि तो बढ़ने नहीं देते हैं तो वो दुबले पतले से ही दिखते हैं। तो यहाँ इनको सुग्रीव को, जो वानर राज का भाई है, इनको बड़ा शंका होती है, शंकितश्च आसीत नित्यम, कि ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, इससे मित्रता तो कर ली, ये कह रहे हैं बाली को मार दूंगा, लेकिन बाली तो इसको एक हाथ से उठा के फेंक देगा, साधारण सा मनुष्य है, कोई ऐसी बॉडी तो दिखती नहीं है, साधारण से धनुष बाण है इनके पास, और वो तो कितना बड़ा महाबली है जिसने रावण को भी हरा दिया था, तो वो तो इनको अंदाजा नहीं है कि ये किसको मारने की बात कह रहे हैं। तो शंकितश्च आसीत नित्यम, वो अपने मन मन में बड़ी शंका करता था श्री राम के ऊपर। ऐसे ही होता है, मनुष्य को सबसे ज्यादा आशंका होती है भगवान के ऊपर कि पता नहीं है कि नहीं, और है तो पता नहीं मेरी बात सुनता है कि नहीं सुनता है, सुनता है तो पता नहीं समझता है कि नहीं समझता है, सुनता समझता है तो पता नहीं उसको फुर्सत है कि नहीं सुन समझ के भी ध्यान देने की, प्रत्युत्तर देने की,
और जो दूसरे संबंधी हैं वो दिखाई देते हैं, उनके ऊपर विश्वास होता है कि इनके सामने रोएंगे धोएंगे, अपनी समस्या का बखान करेंगे तो ये हमारी बात को सुन लेंगे। तो ऐसा सोच कर के व्यक्ति भगवान पे विश्वास नहीं करता है और इंसान पे विश्वास करता है, और फिर इस इंसान उसके विश्वास को तोड़ देता है, क्योंकि इंसान के पास तो सीमित सामर्थ्य है और इसको तो अनंत की अभीप्सा है, ये सीमित से खुश नहीं हो सकता है। तो इसलिए पहले ही कामना करते समय ही व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि भी मैं जिससे कामना कर रहा हूँ उसके पास कितना है, जितना है उतना ही तो देगा ना वो बेचारा। तो संसार के जो भी संबंध हैं उनके पास सीमित है, क्योंकि वो तो खुद ही अनंत की खोज में हैं अभी, तो सीमित तो दे देंगे, तो हमें उतनी ही अपेक्षा करनी चाहिए, हम उससे ज़्यादा अपेक्षा कर लेते हैं। और जो वास्तव में सब कुछ देने वाला है उससे हम प्रीति नहीं करते हैं, उस पे हम विश्वास नहीं करते हैं, उस पे हम श्रद्धा नहीं रखते हैं। वो तो सब कुछ देने वाला है। तो सुदामा की जो पत्नी थी सुशीला, उन्होंने अपने बदहाल को लेकर के और सुदामा को बताती रहती थी कि आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं चले जाते हैं, वो तो राजा हैं और एक बार आप जाएंगे तो सब आपके कष्ट का हरण कर लेंगे। तो उनको बड़ा संकोच होता था, उनको लगता था कि मैं जानता हूँ वो बचपन से मेरे साथ पढ़ा है, लोग उसको भगवान कहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब हमें गुरुकुल में भुने हुए चने मिला करते थे तो वो मेरे वाले भी छीन के खा जाया करता था, इतना चालाक है, तो वो मेरे को क्या देने वाला है, मुझे पता है ना क्या है। तो भी पत्नी ने कहा नहीं, वो भगवान है, विष्णु के अवतार हैं, तो मेरे कहने से जाओ एक बार। तो बहुत उनको अनुग्रह करके, जबरदस्ती उनके ऊपर प्रेशर बना करके, मैंने ऐसे सुना है कि पत्नियां प्राय प्रेशर बना के जहाँ जो उनको करवाना होता है वो करवा ही लेती हैं अपने पतियों से। तो उन्होंने उनको भेज दिया, तो वो वहाँ गए, तो उन्होंने खैर बहुत अच्छे से उनकी खातिरदारी की, उनको नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, उनको अच्छा खाना खिलाया, बहुत सारी बातें की, बोले चलो बचपन की बातें करते हैं, कैसे अपन गुरुकुल में पढ़ते थे, पेड़ पे चढ़ जाते थे, कई डंका खेलते थे, ये खेलते थे, वो खेलते थे। अब सुदामा को लगे तो मुद्दे की बात पे आना, फालतू की बातें कर रहा है, जिस काम के लिए मैं आया हूँ उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा है। और फिर चर्चा करते करते बोले हाँ आप घर से आए हो तो भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा ही होगा, लो ये मांगने आए, ये उल्टा मांग रहे हैं उनसे। अब वो बेचारा संकोच करे, भाई मैं क्या क्या दे सकता हूँ उसके, वो चकाचौंध महल रानियाँ दास दासियाँ सब देख करके वो बेचारा वैसे ही, मतलब आधा बल उसका हो रखा था और उसने छिपा रखा था, दो मुट्ठी चावल दिए थे सुशीला ने जाते समय, तो बगल में दबा रखे थे पोटली को। तो बोले नहीं मैं क्या लाता, मैं तो आज भूल गया कुछ। बोले नहीं ऐसे नहीं हो सकता, भाभी ने जरूर कुछ तो भेजा ही होगा मेरे लिए। तो वो बेचारा मना करता रहा, तो तब उसने छीन लियो पोटली, बोले इसमें क्या है। अब वो बेचारा क्या करता, बोले भाई मेरे पास ना मेरी जो है गरीबी का मखौल मत उड़ा, और ये उसने दो मुट्ठी चावल दिए थे मेरे ले आए, लेकिन मैं जानता हूँ ये तेरे किसी काम के नहीं है, तेरे यहाँ ठाठ बाट तेरे पक्षी भी नहीं खाएंगे इसको, वो भी सोने की कटोरियों में अच्छे अच्छे वो खाते हैं दाना खाते हैं। तो उसने कहा पक्षी खाएं या ना खाएं मैं खाऊंगा लेकिन। तो उसने ऐसे कच्चे चावल चबा लिए श्री कृष्ण ने। तो वो अपने मन में सोच रहा है कि देखो कितना भी बड़ा ये राजा बन गए भले ही, लेकिन इसकी आदत वो ही है गुरुकुल वाली, वहाँ चने चबा जाया करता है, मेरे छीन के यहाँ मेरे चावल चबा गया। खैर तो उस दिन सारी बातें कर करा के और फिर बोले ठीक है भाई चलें। फिर उसने सोचा ये तो बात कर ही नहीं रहा है, पर अब मांगूंगा मैं भी नहीं, जब इसको नहीं दिख रहा है मेरी हालत तो फिर इसको मेरे शब्द भी क्या सुनाई देंगे। तो अच्छा मित्र तो वही होता है ना जिसको बोलना ना पड़े, मतलब जो व्यक्ति हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, हमारी पीड़ा को नहीं वो महसूस कर पा रहा है, तो उसको बोलने से भी क्या फायदा, वो हमारे शब्दों को कैसे महसूस कर पाएगा। अगर वो अच्छा मित्र है तो नए व्यक्ति को तो बताना पड़ता है, लेकिन जो रात दिन साथ रहता है, जो अच्छा मित्र है, तो
तो उसको तो कम से कम पता चलता ही है ना कि भाई आज इसका दिल दुखी है या इसकी इसकी हालत क्या है। तो उसने सोचा इसको बताने से भी कोई फायदा नहीं है, मेरे 2 मुट्ठी चावल और वेस्ट हो गए फालतू में, आज जो दिहाड़ी करता वो और चली गई। तो खैर वो ऐसे झुंझलाते हुए कृष्ण जी उसको बाहर तक छोड़ने के लिए आए, उसको झुंझलाहट हो रही कि मतलब ये फालतू के नाटक कर रहा है और जिसके लिए मैं आया था उसकी चर्चा तक नहीं की। बोले ठीक है भाई मैं तो पैदल ही चला जाऊँ। बोले ना ना पैदल कैसे जाओगे भाई, मेरी गाड़ी छोड़ के आएगी आपको, ड्राइवर छोड़ के आएगा, बॉडीगार्ड साथ जाएगा। बोले बॉडीगार्ड मेरे को कोई मारने वाला है, मैं अपने आप चला जाऊंगा पैदल। खैर उसको छुड़वाया। तो जब उसके वहाँ गए, वो रास्ते भर कृष्ण को बुड़बुड़ाता रहा, उसको मतलब उलाहने देता रहा, शिकायत करता रहा कि देखो कैसा है, आप बड़ा अपना ऐश्वर्य मेरे को दिखा रहा था और ये भी नहीं सोचा कि कम से कम 5-10-20 हज़ार रुपये तो दे देता चलते समय, अरे किसी फल की टोकरी में रख के दे देता, वैसे शर्म आ रही थी तो चुपके से मेरे झोले में ही डाल देता, कार्ड में डाल करके कुछ तो कर ही सकता था ना। पर ये मेरी पत्नी भी समझती नहीं है, मेरे को जबरदस्ती भेज दिया। पूरे टाइम बुड़बुड़ाता रहा वो, लेकिन जब वो अपने नगर में जाके अपनी झोंपड़ी को देखने लगा तो वहां झोंपड़ी है ही नहीं, वहां तो आलीशान महल बना है। तो और परेशान हो गया कि मेरी टूटी फूटी झोंपड़ी थी वो भी आज पता नहीं किसने कहाँ तोड़ के मेरे बच्चों को भी बेघर कर दिया, अब मैं कहाँ ढूंढूंगा अपने बच्चों को। तो खैर उनको तो भेज दिया, बोले भाई तुम तो जाओ मेरे को यहाँ छोड़ के, बस यही हमारा घर है। तो बोले आपका घर है तो इसमें जाओ। अब वो जाए कैसे, उसको तो पता है मेरी तो झोंपड़ी थी ये, ऐसा महल पर उनके सामने अपनी लाज बचाने के लिए कि चलो अंदर मैं पूछताछ तो कर ही लूंगा कम से कम कि भाई ये किसने मकान बना दिया रातों रात और मेरी झोपड़ी और मेरे बच्चे और बीबी का क्या हुआ। तो वो अंदर घुस गया उनके सामने, वो चले गए छोड़ के। अंदर दरवाजा खटखटाए, बेल बजाई तो सुशीला निकल के आई, वो बड़े वस्त्र अलंकारों में सुसज्जित थी। फिर बच्चे आए, वे भी बड़े ठाठ बाठ में राजकुमार जैसे दिख रहे थे। हुआ क्या, बोले हुआ क्या, आप अपने मित्र के पास गए भगवान कृष्ण के पास, मैं तो कब से कहती थी कि उनकी शरण में चले जाओ सारे दुख कट जाएंगे, आपने माना नहीं, आज आप चले गए तो सारे दुख हमारे कट गए। अब वो पश्चाताप करने लगा, अरे ऐसे होते हैं सच्चे मित्र, पता भी नहीं चलने देते हैं वो, और वो चुपके से कैसे उसका दुख हरण कर देते हैं। उसको तो मजाक मजाक ही लगता है, उसको तो लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो तब उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि देखो मैंने उसके बारे में कितना उल्टा सोचा और उसने तो मेरे को पता भी नहीं लगने दिया, ये एहसास भी नहीं करवाया कि मैं कुछ दे रहा हूँ, मजाक करता रहा और पीछे से सब कुछ उसने सुधार कर दिया। तो भगवान की शरणागति तो ऐसी ही होती है, भगवान ने ये सारी सृष्टि में अपना ऐश्वर्य अपनी कृपाएं हमारे लिए बिखेर रखी हैं, बेशकीमती कृपाएं हमारे लिए, श्वास लेने के लिए अच्छी वायु हमें हर जगह उपलब्ध है। अगर हमें अपने साथ गैस सिलेंडर लेके जाना पड़ता ऑक्सीजन का तो हमारा क्या हाल होता, हम जहाँ कहीं भी जाएं हमारे लिए पानी उपलब्ध है। नहीं तो एक अपने घर से कहीं दूर दराज दूसरे तीसरे स्टेट में जाते समय वहाँ पानी होता ही नहीं तो क्या हाल होता। सब जगह हमारे लिए अन्न उपलब्ध है, जल उपलब्ध है, सूर्य उपलब्ध है, वायु उपलब्ध है, चंद्रमा उपलब्ध है, पृथ्वी उपलब्ध है, कितनी अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ फल फूल सब कुछ, भरी पूरी सृष्टि कहीं भी चले जाएं भरपूर भरा हुआ है और पता भी नहीं लगने देता है। और जब कोई कष्ट दिक्कत आती है और हम उसको जब प्रार्थना करते हैं तो वो उसको सॉल्व भी कर देता है और अपने आप को सामने लाके कभी अनाउंस भी नहीं करता है कि मैंने आपके लिए ये किया, पता भी नहीं लगता है कि उसने कैसे कर दिया। और यद्यपि कभी तो वो स्वयं ही अपने ही हाथ में ले लेता है उन समस्याओं को और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि ये हो कैसे गया।
तो इतनी बड़ी भगवान की महिमा है। तो यहाँ सुग्रीव ने भी अपना जो श्री राम के सामने दुख दर्द का वृत्तांत कह सुनाया, तो श्री राम ने कहा कि आप आश्वस्त हो जाओ, मैं बाली को ही मार डालूंगा, पहले बाली का ही वध करेंगे। तो जैसे वहाँ सुदामा को शंका होती थी कि वो क्या देने वाला है, ऐसे यहाँ सुग्रीव को भी शंका हो रही है। तो सुग्रीव को लगता है कि ये तो एक दुबले पतले से मनुष्य हैं, तो कैसे ये इतने बड़े महाबली को मार पाएंगे। तो श्री राम को पता लग गया कि इसके मन में शंका है, और बेचारा ये शंका में आधी शक्ति हुआ जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा चमत्कार तो दिखाई देना चाहिए। तो श्री राम ने क्या किया, और इधर से बाली भी परीक्षा लेना चाहता है कि भाई मैं उसके सामने लेके जाऊं और ये तो पिटवा देगा पिटवा देगा उससे मेरे को, तो इसके बल की थोड़ी परीक्षा ले लेनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, राघव प्रत्ययार्थम तु दुन्दुभे कायम उत्तमम दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। महापर्वत सन्निभम दुन्दुभे उत्तमम कायम राघव प्रत्यार्थम दर्शयामास। सुग्रीव ने महापर्वत सन्निभम महान पर्वत के समान दुन्दुभे उत्तमम कायम, दुन्दुभि नाम के राक्षस का उत्तम काया, उत्तम का मतलब यहाँ पर श्रेष्ठ नहीं है, उत्तम का मतलब है विशाल काय, उत्तमम कायम विशाल काया को, विशाल शरीर को राघव प्रत्यार्थम दर्शयामास, राघव की जानकारी के लिए दिखाया कि आप पहले इस दुन्दुभि नाम के राक्षस के शरीर को देखो, ये महान पर्वत के समान विशाल काय है ये, और ऐसा ही मेरा भाई भी है, तो पहले आप इसका कुछ इलाज करो तो मेरे को विश्वास हो जाए कि आप बाली का भी कुछ बिगाड़ सकते हैं। वो कोई आपका जैसा मनुष्य नहीं है, वो कोई साधारण शक्ति नहीं है, उसने तो रावण को भी हरा दिया था। तो राघव मुस्कुराए हैं, जो बड़े होते हैं तो उनकी ये पहचान होती है कि वो मुख से ज़्यादा नहीं बोलते हैं, अपने कर्म से ज़्यादा बोलते हैं, वो वैसा करके दिखा देते हैं। और दूसरे लोगों को तो ऐसे लगेगा कि ये तो साधारण से ही, उनको विश्वास नहीं होता है,